सिंह साहब अकाली फूला सिंह जी जिन्हों का शहीदी दिहाड़ा श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल वालों मनाया जा रहा हर साल ही मनाते ने पर इस बार ये पावन पुरब धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पुरब को समर्पित किया है जो शताब्दी रूप के मई के महीने समुचा गुरु खालसा पंथ मना रहा। सिंह साहब अकाली फूला सिंह जी सिख पंथ के महान जथेदार होए ने। श्री अकाल तख्त साहब की सेवा जोधे जरनैल बाबा अकाली फूला सिंह कोल से और उस वक्त खालसा राज की सब तो सुपरीरियर फौज अकाली फूला सिंह की कमांड के हेठ चलते सी और उस फौज को अकाली फौज कहते बेमोहताज फौज से बेपरवाह फौज से लापरवाह नहीं सी बेपरवाह फौज से वो मौत तो ना डरन वाली फौज से और इन्नी जबरदस्त ताकतवर फौज सी अकाली फूला सिंह कोल कि महाराजा रणजीत सिंह भी भय खांदा सी एक बार की होया महाराजा रणजीत सिंह लाहौर दे विच अपने महल दे विच बैठा सी कुछ अंग्रेज अधिकारी उन्होंने मिलने वास्ते आए अचानक ही अकाली फूला सिंह जी की फौज की एक टुकड़ी ने लाहौर दे विच प्रवेश किया। जदों फौज की वो टुकड़ी राजे दे महल दे पास पहुंची तो उन्होंने राजे रणजीत सिंह दे महल वल गोलियां चलाउणियां शुरू करतीं। अंग्रेज जिहड़े अधिकारी महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलण वास्ते आए सी उह घबरा गए महाराजा साहब नूं कहण लगे महाराजा साहब इह किहने हमला करता तुहाडे किले ते गोलियां बड़ियां चल रहियां ने। महाराजा रणजीत सिंह उन्हां अंग्रेज अधिकारियां दे नाल जदों बारी दे विच्चों बाहर देखण वास्ते बारी वाले पासे आया ते हस पिया। अंग्रेज कहण लगे महाराजा साहब तुहाडे महल वल गोलियां चलाईयां जा रही ने कुछ सिखां वलों। वो कहण लग्या ये अकाल तख्त साहब भी अकाली फौज है अकाल तख्त साहब की अकाली फौज है जिहड़ी बाबा अकाली फूला सिंह की कमांड दे विच चलदी है इन्हां नूं मैं भी नहीं रोक सकदा गोलियां चलाउणों। कहिंदे क्यों कोई नुकसान कर सकते है कोई गोली किसी नूं मार सकते है कहिंदे नहीं है मारदे नहीं है किसी नूं गोली ये मेरे महलां वल मूँह करके इस करके गोली चलाउंदे है ताकि मैं अपनी औकात ना भुल जा मैं याद रखा कि यह जिहड़ा खालसा राज है यह खालसे की अमानत है मेरी निजी जायदाद नहीं है। ये मेरी निजी जायदाद नहीं है ये खालसे की अमानत है और ये चेते कराउण वास्ते ये अकाली फौज श्री अकाल तख्त साहब तो कूच करके चलती है ते कदे कदे आके खुशियां दे विच मौजां दे विच गोलियां दे फायर करती है इन्नी तकड़ी फौज से। ते जदों खालसा राज दी फौज जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह दी कमांड दे विच सी किते मुहिम दे विच वो अटक जांदी सी ते फिर बेनती कीती जांदी सी उस फौज नूं जिहड़ी जरनैल हरी सिंह नलुआ दी कमांड दे विच चलदी सी। जरनैल हरी सिंह जी नलुआ की कमान के चलन वाली फौज जी है फिर मोर्चा सर करती सी ते जे कि जरनैल हरी सिंह जी नलुआ की फौज पासों भी कितने किला सर नहीं सी ना हुंदा
फिर महाराजा रणजीत सिंह अकाल तख्त साहब से पहुँच के अकाली फूला सिंह जी को बेनता करता सी भी जथेदार जी हुण तुसीं आओ गल गल कर जो फिर अकाली फौज श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके चलती सी फिर मोर्चा जड़ा है वह अटकता नहीं सी मोर्चा फतेह हो जाता सी बहुत सारिया लड़ाइया बाबा अकाली फूला सिंह जरनैल हरी सिंह जी नलुआ ने कठिया लड़िया तो कठिया जितिया डोगरे जड़े सन डोगरे हमेशा ही अकाली फौज तो भै खांदे सी वो दो जरनैलों तो डरदे सी डोगरे जां डरदे सी बाबा अकाली फूला सिंह तो जां डरदे सी जरनैल हरी सिंह जी नलुआ तो और वो महाराजा रणजीत सिंह दे नेड़े रहिंदे सी ते महाराजा रणजीत सिंह नूं बस इहो ही गल जिहड़ी है वो कही जांदे सी बार बार कि फलानी जगह किला सर नहीं हो सकता जी अकाली फूला सिंह तो बिना फलाना किला भी सर नहीं हो सकता जरनैल हरी सिंह नलवे तो बिना बड़ी वड्डी उन्हां दी एक नीति सी पालसी सी कि जरनैल हरी सिंह नलवा ते अकाली फूला सिंह लाहौर आके ना बैठन ते उधर अफगानिस्तान वाले पासे जमराउद वाले पासे पेशावर वाले पासे जिहड़ा वो लड़ते फिरन ते असीं इत्थे लाहौर दे विच अपनियां मन आईयां जिहड़ियां वह करते रहिए ते महाराजा रणजीत सिंह नूं गुमराह करते रहिए अंदर अंदर कमज़ोर करते रहिए। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद मन च सवाल पैदा होंदा है एडी तगड़ी फौज सी श्री अकाल तख्त साहब की जो खालसा सरकार नूं हमेशा ही हमायत दिंदी सी देखो किड्डी कमाल दी गल खालसा सरकार नूं या सरकारे खालसा नूं श्री अकाल तख्त साहब तो हमेशा ही मदद मिलती सी हमेशा ही सहायता मिलती सी। उस वक्त कोई अंग्रेज कोई मुगल ये अकाली फूला सिंह आके कह की हिम्मत नहीं सी करता हों भी अकाल तख्त साहब मेरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब का साझे है जी वह सारिया के साझे है तो तुम खालसा राज की हिमायत करते हो साड़ी भी कर दिया करो वो कहते सी ये साड़ी राजसी धिर है सरकार खालसा साड़ी राजसी ताकत है और साड़ी राजसी ताकत का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। एडी अकाली फौज एडी ताकतवर फौज अंग्रेजों के हथों हार क्यों गई एक तो आप कह दें ना कि डोगरिया ने गदारियां कीतियां तां हार गई शाह मुहम्मद एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नूं हारियां ने इस अकाली फौज कोल सब कुछ सी ताकत सी बेपनाह नीति सी बहुत सुजोग ते स्याणी जे नहीं सी ते अंग्रेजा वर्गा कमीनापन है नहीं सी जिहड़ा कमीनापन अंग्रेजा कोले सी ना वो कमीनापन इस अकाली फौज कोले है नहीं सी इस करके अंग्रेजा ने पंजाब ते कब्जा कर लिया अंग्रेज पंजाब दे उत्ते कब्जा करन दे विच कामयाब हो गए। ऐसे योधे ऐसे सूरबीर ऐसे महाबली का शहीदी दिहाड़ा श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल वालों अज नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के इस महान पावन पवित्र अस्थान के उत्ते मनाया जा रहा। बाबा अकाली फूला सिंह जी जिन्होंने इतिहास बाबा अकाली फूला सिंह कह के याद करता है अज असी सत्कार नाल उन्हां नूं सिंह साहब जथेदार बाबा अकाली फूला सिंह कहने हैं पर इतिहास बाबा अकाली फूला सिंह कह के याद करता है उन्हां दियां गुरु खालसा पंथ नूं बहुत वड्डियां देना ने साध संगत जी। मैं एक गल कह के समाप्ति करा महाराजा रणजीत सिंह दे राज नूं मजबूत करन दे विच सब तो वड्डा योगदान जिहड़ा सी ते वह बाबा अकाली फूला सिंह दा सी। गल गल कर आगे जावे फतेह पावे निहालो जावे उस वक्त भी लोग कहंदे सी बाबा अकाली फूला सिंह नूं जाके कहिंदे बाबा जी जिन्ना सोना हरिमंदर साहब नूं दिता है महाराजे ने उदू वध सोना जगन्नाथ दे मंदर नूं देता। अकाली फूला सिंह कहंदे ये खालसा राज है
खालसा राज जिहड़ा है वह दरिया दिलां दा राज है। गल नहीं सी सुनदे हुंदे जे कोई आके कहिंदा है बाबा जी महाराजा रणजीत सिंह ने फलाने नूं मंत्री ला लिया, धमके ने मंत्री नूं ला लिया, आ करता वो करता, कोई इक्को गल कहिंदे सी खालसा राज दे विच दखल अंदाजी करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम खालसा राज नूं मजबूत करना है, पक्के पैरी करना है, खालसे दा राज है ते खालसे दा राज जिहड़ा अटल रहे इहो ही साडी जिहड़ी है वह नीति है, इहो ही साडी सोच है, असी अपनी इस सोच दे उत्ते पहरा दिंदे आ और देंदे रहांगे। इहो ही कारण सी अकाली फूला सिंह शहीद हो गए, महाराजा रणजीत सिंह दी मौत हो गई ते उस तो बाद जरनैल हरी सिंह नलुए वर्गे योधे चढ़ाई कर गए, उस तो बाद ऐसा काबल जिहड़ा है वह कोई कमांडर रहा नहीं, जे कोई सी महाराजा शेर सिंह वर्गे महाराजा नौ निहाल सिंह वर्गे तो उन्होंने डोगरियां दी चालां ने मरवा दिता, जिहदा नतीजा निकलिया कि खालसा राज जिहड़ा है वह तितर बितर हो गया और बिखर गया, खालसा राज तितर बितर हो गया बिखर गया। बहुत ताकतवर बहुत योधे सूरबीर जरनैल सन बाबा अकाली फूला सिंह जी। मैं श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल दे मुखी सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी का इस गलों बहुत शुक्रगुजार हाँ, धन्यवाद करदा कि वह हर साल ही अपने योधिया अपने सूरबीर कौम के योधे ने पंथ के योधे ने पंथ के योधिया कौम के योधिया याद करने वास्ते समागम करवाते हैं और अज का यह समागम श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पर्व को समर्पित किया है। मैं आप सारी संगत का भी तहे दिलों धन्यवाद करदा कि इस समागम के आप वड्डी गिणती दे विच हाजरियां भरने वास्ते इस अस्थान के उत्ते पहुंचे हो। अज नानक शाही समत मुताबिक नवे साल का आगाज होया, मैं आप सारी संगत को नवे साल दियां भी मुबारकां देना। असी योधे जरनैल का शहीदी दिन मना रहे हैं, असी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद कर रहे हैं, मंच के उत्ते बहुत सत्कारत हस्तियां बैठियां ने, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर जथेदार ने, तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के बाबा जोगा सिंह जी, बाबा जथेदार बाबा मोहन सिंह जी, होर बहुत सारिया सत्कारत हस्तियां बैठिया ने। मैं सारिया का तय दिलों धन्यवाद करदा। स्टेज सैकटरी साढ़े भगवान सिंह जी जौहल जो रूबरू करा रहे हैं शख्सियतों, इन्हों का भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारी संगत का धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।